तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कंपनी ने हमारे मशीन से भरे हुए सोडे के बॉटल्स रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्लूबेरी फ्लेवर है, इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा है, उसके जैसा ही उसका टेस्ट है। ये दिखने में कैसे बेस्ट प्रोडक्ट लग रहा है। तो इसी तरीके से आप अलग अलग फ्लेवर्स भी बॉटल्स में भर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज फैंटा है, जीरा है, लेमन है, लीची है। अलग अलग जितने आप फ्लेवर्स लोगे और भरोगे उतना ये प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखेगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ अभी कि मशीन का एक्चुअल वर्किंग कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है ये मशीन का वॉशिंग यूनिट है, यहाँ पे बॉटल्स ऐसे वॉश होती है, फिर उसके बाद में मशीन में ऐसे बॉटल्स अप्लाई करनी है आपको, फिर उसके बाद में ये जो फिलिंग यूनिट है इसमें से आपको सोडा फिल होगा बॉटल में। देखिए दोस्तों कैसे हो रहा है। उसके बाद में ये जो है ये सिरप स्टेशन है, यहाँ से सिरप जो है वो बॉटल में जाएगा। फिर देखिए दोस्तों कैसे सिरप बॉटल में फिल हो गया अभी। उसके बाद में ये जो दिख रहा है आपको ये इसमें से कैप बॉटल के ऊपर गिरती है। फिर ये जो है ये कैपिंग सिस्टम है, बॉटल में जो लगाई हुई कैप है वो यहाँ पे फिट हो जाएगी। और आपका ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो बॉटल है ये 250 ml की बॉटल है, ऐसे आप अलग अलग ml साइज की बॉटल्स यानी कि 150 ml, 300 ml, 350 ml, जहाँ तक कि 700 से 750 ml तक बॉटल्स पैक कर सकते हैं। उसका 750 ml तक का पैक जो सेटिंग है मशीन का वो कैसे करना है, अलग अलग फ्लेवर्स का सेटिंग कैसे करना है, सोडा में कितना जो आपका प्रोडक्ट है उसमें कितना सोडा होता है, कितना फ्लेवर होता है, ये सारे जो सेटिंग्स की जानकारी है वो हम आपको यहाँ पे आने के बाद सब कुछ जानकारी उसकी दे देंगे। तो आप बालाजी एंटरप्राइजेस पुणे में ये जानकारी लेने के लिए कभी भी विजिट कर सकते हैं।